हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? यदि सब बढ़िया तो फिर हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं। तो चलिए क्लास 7 बहुत और मैथ चालू करना है। चैप्टर हमारा इंटीरियर्स 1.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं। अब मेरे पास बचा 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपको करना है, लेकिन 10th और 11th क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, साइन पुट करना है। हमें कौन सा साइन, या तो ये वाला या फिर ये वाला साइन आपको पुट करना है, मतलब लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आपको पुट करना है इनके बीच में। ए वाला क्वेश्चन है -10 और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर लिखा हुआ -5। ए वाले क्वेश्चन में -10 लिखा हुआ है, बीच में ब्लैंक है, फिर लिखा हुआ है -5। भाई आपको बताना है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, तो -10 बड़ा है या -5? मैंने पहले ही बताया माइनस में जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, तो माइनस में ज्यादा बड़ा 10 ये इसलिए जब से ज्यादा छोटा होगा, तो जो छोटा होता है उसकी तरफ जो है छोटा, और जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, -10 लेस देन -5। बी वाले पर आ जाते हैं। बी वाला क्वेश्चन देखा जाए, -4 -8 लिखा हुआ है, -4 -8 इस प्रकार से, फिर फिल इन द ब्लैंक से आगे लिखा हुआ है -4 प्लस -8, -4 प्लस -8 इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए आसान होगा, आपको समझ ना होगा, सॉल्व करेंगे पहले इस तरफ सॉल्व करते हैं। -4 का -4 रहने दीजिए, -, जब लाइन से आएगा -, क्या हो जाएगा प्लस 8 आ गया। फिल इन द ब्लैंक से पहले से सॉल्व कर लेते हैं, एक में माइनस लगा हुआ एक में प्लस लगा हुआ, मैंने बताया था अलग अलग साइन इसलिए जुड़ेंगे नहीं, क्या हो जाएगा घट जाएंगे, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 4। चलिए ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ये रहा। और आगे बात करते हैं भाई, -4 प्लस -, क्या होता है माइनस, तो -4 और -8 हो गया, सेम निशान वाले जुड़ जाते हैं हमेशा, तो 8 और 4 हो जाएगा 12, और माइनस का 12 मैंने कहा पहले होता है माइनस में जो जितना छोटा उतना बड़ा, तो बड़ा क्या होगा इस बार 4 बड़ा होगा, तो इस प्रकार से साइन आ जाएगा। ये बन गया आपसे बहुत बढ़िया। चलिए जाते हैं सी वाले क्वेश्चन पर। सी वाला क्वेश्चन देखा जाए, 40 -39 लिखा हुआ है, 40 -39 और आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस 5 इस प्रकार से, और आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक के बाद क्या लिखा हुआ है 40। इसे और अच्छे से लिखने के लिए थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी मुझे, मैं यहां पर कर लेता हूँ सी वाला। ये सी वाला क्वेश्चन नोट करना फिर से ध्यान दीजिए, 40 -39 40 -39 40 -39 प्लस -5 प्लस -5 इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स है। आगे लिखा हुआ 40 प्लस -39 40 प्लस -39 और आगे लिखा हुआ है -5 -5। ध्यान देंगे आसान सा क्वेश्चन, थोड़ी सी मेहनत बस करनी होगी हमें, तो थोड़ी सी मेहनत के लिए किस प्रकार से थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं आप, 40 -5 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 40 प्लस 39 है ना, 40 प्लस 39 माइनस होता है तो -5, ये यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद क्या हो जाएगा 40 प्लस -, क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 -39 -9 क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +5। ध्यान देंगे 40 प्लस 39, 40 में 39 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 79, -5 है, यहां पर ब्रैकेट है भाई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, 40 -39, 40 में से 39 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, प्लस में लिख दिया हमने 5, 79 में से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 74, यहां पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, बड़ा कौन सा है ये वाला, तो इस प्रकार का साइन हर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप फिल जाएगा भाई, इसे जल्दी से नोट डाउन कर ले। अब आना है हमें 11th क्वेश्चन पर, 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, 11th क्वेश्चन में बॉक्स बना हुआ, बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। लिखा हुआ है 6 माइनस, बॉक्स बना हुआ इक्वल में लिखा है 1, हम बॉक्स की जगह पर क्या करने वाले हैं 6 माइनस, बॉक्स की जगह पर क्या कर देंगे हम x लिख देंगे, तो यहां पर लिख दिया हमने x इज इक्वल टू में 1 माइनस 1, सूत्र तय हो जाएगा प्लस के x, और 1 वहां पर प्लस के साइन के साथ है, इस तरफ हो जाएगा माइनस, तो 6 - 8 इज इक्वल टू में आ गया x, 6 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 6 में से 8 घटाएंगे तो -2 आएगा, इज इक्वल टू में आ गया x, तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है -2, मतलब बॉक्स में क्या आने वाला था -2। तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे बन गया, ये ए वाला था। इसी प्रकार से मैं बी वाले क्वेश्चन को नोट करता हूं, 1 प्लस -3, 1 प्लस -3 ये लिखा हुआ है, और माइनस करके बॉक्स बना हुआ है, इक्वल टू में लिखा हुआ है 4, हम क्या करने वाले बॉक्स की जगह पर 4 लिखेंगे, बाकी वैल्यू आ जाएगी। 1 1 प्लस माइनस क्या होता है -3, माइनस बॉक्स की जगह पर क्या लिखना था हमें x इज इक्वल टू 4, ये बन गया आपसे।
आगे बात करता हूं, वन माइनस थ्री, वन में से थ्री माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस टू बचेगा, माइनस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर, ऐसा माइनस टू यहां पर माइनस टू उस रिपेक्ट क्या हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा, तो माइनस एक्स यहां पर रहे दो सेवन, फोर प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, तब एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो माइनस यहां पर था वहां सिक्स में डाल देंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया सिक्स हो गया, पर माइनस का सिक्स, तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाता हूं मैं, फाइव माइनस माइनस फोर है, बुक से मिलाते चलेंगे सी वाले आ रहे हैं, फाइव माइनस माइनस फोर इस प्रकार से, आगे लिखा हुआ है प्लस, फिर बॉक्स बना हुआ है, फिर इक्वल में एट है, प्लस बॉक्स बना हुआ है इक्वल में एट है, ध्यान देंगे फाइव माइनस माइनस फोर तो फाइव प्लस फोर हो जाएगा, ओके फाइव प्लस फोर हो जाएगा, प्लस में यहाँ बॉक्स लिए पर एक्स लिख देता हूँ, इक्वल में एट लिख देता हूँ, क्या फाइव प्लस फोर करते बनता है, बहुत बढ़िया आपसे तो बनता है, फाइव फोर नाइन हो गया, नाइन प्लस एक्स इज इक्वल टू हो गया एट, नाइन यहां पर जो प्लस हो रहा है उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स इज इक्वल टू एट माइनस नाइन हो गया, इस प्रकार से एक्स की वैल्यू कितनी होगी एट में से नाइन माइनस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन आपके पास, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बन गया है, समझ में आ गया। चलिए डी वाले पर आते हैं, बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स है फिर माइनस माइनस टेन लिखा हुआ है, इक्वल में लिखा हुआ है नाइन, ध्यान देंगे क्वेश्चन किस प्रकार से, बॉक्स भी आपको लिखूंगा एक्स, और बात करता हूं बॉक्स ये पर मैंने एक्स लिख लिया, माइनस माइनस करेगा प्लस टेन इज इक्वल टू नाइन, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो टेन प्लस हो रहा था उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो नाइन माइनस टेन और नाइन में से टेन माइनस करने पर कितना आएगा माइनस वन, तो इस प्रकार से आपको ये भी एक्स की वैल्यू मिल गई, इसमें सारे एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स मतलब की बॉक्स की वैल्यू निकाली थी, बॉक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इस प्रकार से 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें मैजिक बॉक्स बनाना है, वो आपके लिए, आपसे यदि नहीं बनेगा तो हमने इस पूरे चैप्टर के लास्ट वाली वीडियो में उसके लिए भी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए, मैथ सॉल्व करते रहे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।